एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बेसिक के शिक्षकों के लिए नई परेशानी आई सामने, इस वजह से भी रुक सकती है सैलरी। फर्जी दस्तावेज से बेसिक शिक्षक बनने वाले के खिलाफ नहीं हो सकी FIR, बचे हैं महज 10 दिन। मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल के प्रभावी अनुश्रवण व क्रियान्वयन के संबंध में ध्यान से अटेंडेंस लॉग करें, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। सख्ती, शिक्षा मित्रों ने गलत आचरण किया तो समाप्त होगी सेवा। BSA ऑफिस में बाबू और लेखाकार से पूछताछ किए जाने का पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और दूसरा वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। दिनांक 21 जून 2022। विषय मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल के प्रभावी अनुसरण व क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूच है कि बेसिक शिक्षा विभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 19/2/2021 के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। अद्यतन समीक्षा में यह पाया जा रहा है कि वित्त एवं लेखा अधिकारियों द्वारा इसमें पर्याप्त रुचि न लेते हुए पोर्टल की क्षमता के अनुरूप उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि असंतोषजनक है व शासनादेश में प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना है। अतः मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल में प्रभावी अनुसरण क्रियान्वयन हेतु आपको नामित किया जाता है। आप द्वारा पेरोल मॉड्यूल के लागू करने हेतु समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा की समीक्षा एवं उनकी समस्याओं का निस्तारण NIC टीम से समन्वय करते हुए किया जाएगा, जिससे कि 100% शिक्षकों का वेतन मानव संपदा पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आहरित हो सके। वर्तमान में मानव संपदा पोर्टल और कोषागार पोर्टल के मध्य लिंकेज नहीं है, जिस कारण TXT फाइल मानव संपदा पोर्टल से मैन्युअली डाउनलोड करते हुए उसको कोषागार पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इस संबंध में आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मानव संपदा पोर्टल व कोषागार पोर्टल को लिंक कराते हुए उक्त प्रक्रिया को मानवीय हस्तक्षेप रहित बनाया जाए। कृपया प्राथमिकता के आधार पर उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। भौदी विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। कानपुर UP में प्राइमरी शिक्षकों को लेकर एक फरमान जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल में अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है और उसको लेकर सरकार या बिजली विभाग को जानकारी नहीं दी गई है तो उसका खामियाजा स्कूल में काम कर रहे टीचर को भुगतना होगा। अगर शिक्षकों को अपना वेतन रिलीज करवाना है उसके लिए उनको पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर उसका प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके बाद उनकी सैलरी रिलीज की जाएगी। स्कूल में करोड़ों का बिल बकाया है, जब सभी स्कूलों में कनेक्शन नहीं है तो रिकॉर्ड में दक्षिणांचल का 1.35 करोड़ रुपए और केशव का 31.5 लाख यानी कुल 1.66 करोड़ से अधिक का बकाया है। ग्रामीण अंचल के बिलों का भुगतान पंचायतों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन 1980 से पहले का काफ़ी बकाया है। बिजली कनेक्शन में शिक्षकों को कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि शिक्षक के आधार के स्थान पर UDAS कोड होना चाहिए। स्कूल का बिजली बिल कौन करेगा जमा, कोई फिक्स नहीं। जिन स्कूलों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जेब से खर्च किया, कुछ ने कंपोजिट ग्रांट से धनराशि दी। अगर बात करें ग्रामीण अंचल के स्कूल की तो वहां का बिजली का बिल बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेज देते हैं तो शहरी क्षेत्र के स्कूल अपने पास रख लेते हैं। एक शिक्षक ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले कनेक्शन लिया था, तब कोई धनराशि नहीं देनी पड़ी, अब उसकी धनराशि जोड़कर 80,000 से अधिक का बिल आ गया है। फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षक बनने वालों के खिलाफ नहीं हो सकी FIR, बचे हैं महज 10 दिन। आगरा प्रसिद्ध स्कूलों में फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने वाले मंडल के 3 शिक्षकों के खिलाफ FIR अब तक नहीं दर्ज कराई गई है। STF लखनऊ मुख्यालय की ओर से 30 मई को जारी सूची जारी की गई। बेसिक शिक्षा निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों BSA को सूची में शामिल शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक FIR कराने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की एक प्रति ईमेल के माध्यम से मांगी गई है। आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के 1-1 शिक्षक सूची में शामिल हैं। 228 शिक्षकों को किया गया था चिन्हित। STF की ओर से जांच में प्रदेश में कूटरचित फर्जी व अनियमित शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने वाले 228 शिक्षकों को चिन्हित किया गया था। इसके आधार पर 52 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 176 के खिलाफ कार्रवाई की सूचना STF मुख्यालय को नहीं दी गई। बेसिक शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जाहिर की, उन्होंने संभावना व्यक्त की कि संभावित कार्रवाई न करके शिक्षकों को अतिरिक्त समय दे रहे हैं, इससे साक्ष्यों को मिटाए जाने की भी आशंका है। कार्रवाई न करने वाले 35 जिलों को सूची जारी की गई है। फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करने वाले सर्वाधिक 25 शिक्षक देवरिया, 23 बस्ती, 15 सीतापुर, 12 सरवस्ती और 10 आजमगढ़ में है।
दिए गए ये निर्देश मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसई आगरा महेश का कहना है कि उन्होंने आगरा के शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी को दे दिए हैं। शिक्षक अचनेरा ब्लॉक के एक विद्यालय का है, वहीं फिरोजाबाद और मथुरा के शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर करण के लिए संबंधित बीएसई को पत्र जारी कर दिया गया है। सख्ती, शिक्षा मित्रों ने गलत आचरण किया तो समाप्त होगी सेवा। शिक्षा मित्र अब प्रसिद्धि विद्यालयों में मनमानी नहीं कर पाएंगे। शिक्षण कार्य में लापरवाही आचरण में दोषी पाए जाने पर शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। नई शासनादेश के तहत अब शिक्षकों शिक्षा मित्रों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का पत्र मिलने के बाद बीएसई ने शिक्षा मित्र के नवीनीकरण के निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाएगा। सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव विषय को उपलब्ध कराएगी। बीएसई से सभी प्रस्तावों को 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाए कि शिक्षा मित्र के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। डीएम द्वारा बीएसई द्वारा प्रस्ताव पर 10 जून तक हर हाल में निर्णय ले लिया जाए। 11 महीने का मिलेगा मानदेय। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को सत्र में पूर्व की तरह अधिकतम 11 माह का मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों की संविदा के समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी, लेकिन इस अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा और न ही मानदेय दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र 16 जून को मिला। खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने ब्लॉक की ग्राम सभाओं में कार्यरत शिक्षा मित्रों को नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव 25 जून तक तैयार कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कमल सिंह, बीएसई मैनपुरी। बीएसए ऑफिस में बाबू और लेखाकार से पूछताछ, जाने पूरा मामला। बीएसए ऑफिस में बाबू और लेखाकार से पूछताछ। लखीमपुर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले एक शिक्षिका का बेटा पिछले 15 सालों से जीपीएफ पेंशन और बीमा धनराशि के भुगतान की मांग को लेकर बीएसए कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। डीएम मुख्यमंत्री से भी शपथ पत्र पर शिकायत करके बकाया धनराशि दिलाने की मांग की। आरोप यह भी लगाया कि भुगतान न होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पैसों के अभाव में इलाज न करा पाने पर माँ व पिता की मौत हो गई। परेशान बेटे ने अब न्यायालय से गुहार लगाई है। सोमवार को बीएसए कार्यालय पहुंची पुलिस ने पटल सहायक व लेखाकार के बयान दर्ज किए हैं। शहर के मोहल्ला हाथीपुर में रहने वाले अखिलेश शुक्ला ने डीएम बीएसए मुख्यमंत्री कार्यालय में शपथ पत्र पर शिकायत की। इसमें बताया कि उनकी माँ सरला देवी बीएसए शिक्षा विभाग में शिक्षिका के पद पर तैनात थी। प्राथमिक विद्यालय महरिया ईसानगर से 2007 में सेवानिवृत्ति हुई। सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने तक अनंतिम पेंशन दी गई। पेंशन, जीपीएफ, बीमा आदि का भुगतान नहीं हुआ। इस बीच सरला देवी और पिता बीमार हुए, उनका इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत थी। वह लगातार बीएसए कार्यालय लेखा कार्यालय दौड़ते रहे पर भुगतान नहीं हुआ। इलाज ना करा पाने के कारण 2012 में दोनों की मृत्यु हो गई। अखिलेश शुक्ला ने पटल सहायक लेखाकार और लेखाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और भुगतान कराने की मांग की। अखिलेश ने न्यायालय से भी रिपोर्ट दर्ज कर भुगतान कराने की गुहार लगाई है। सोमवार को पुलिस ने पहुंचकर बीएसए कार्यालय के बाबू जितेंद्र वर्मा, लेखाकार शिव बालक गिरी से मामले की जानकारी ली और पूछताछ की। वित्त एवं लेखाधिकारी हरकेश बहादुर ने बताया कि मामला काफी पुराना है, कार्यालय में कोई प्रत्यावेदन नहीं मिला है। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस जांच करने आई थी। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।